मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों से उन्होंने बात की। ये भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से सर्च ऑपरेशन अभी तक वहां पर किया गया है और जांच लगातार जिस तरीके से की जा रही है इस पर तो हमारी नजर है। वहीं शालिनी हमारी सहयोगी द्वारका स्कूल के बाहर इस वक्त मौजूद है। शालिनी, क्या यहाँ पर पेरेंट्स से बातचीत अभी फिलहाल हो सकती है, क्योंकि अभी अलग अलग स्तर पर जिस तरीके से स्कूलों में जाँच की जा रही है ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है, क्योंकि पेरेंट्स भी जानना चाहते हैं सेफ्टी को देखते हुए उनका कंसर्न, उसको लेकर भी स्कूल प्रशासन से वो सवाल कर रहे हैं। देखिए अभी जब मैं यहाँ पर अभी देखिए पीछे जो दिल्ली फायर सर्विस के जो कर्मचारी हैं अधिकारी हैं वो यहाँ पर अंदर पहुँचे हैं कुछ देर पहले अभी, और अभी फिर से दोबारा से फिर से तलाशी यहाँ पर ली जा रही है, दोबारा से जांच की जा रही है। और अभी भी देखिए किस तरह से ये कैसे अलर्ट है, यहाँ पर किसी को भी जाने नहीं दे रहे अंदर, ये अलर्ट मोड में खड़े हुए हैं। सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो भी वो यहाँ पर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई यहाँ पर पहुँचे नहीं, क्योंकि पेरेंट्स डर की भय की वजह से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, चिंता में हैं वो कि आखिर है क्या। तो उनको यहाँ स्कूल अभी कोई जानकारी नहीं दे रहा, क्योंकि उनको पैनिक ना क्रिएट होने पाए कोई इस वजह से जानकारी नहीं दी जा रही। लेकिन अंदर दिल्ली पुलिस बम निरोधक दस्ता, दिल्ली फायर सर्विस सभी अभी तक, मैं यहाँ पर सुबह 8 बजे से हूँ, लगातार टीम अंदर है, लगातार जांच चल रही। अभी तक कोई भी, बस सुबह DCP यहाँ से निकले थे उसके बाद अभी भी कोई भी बाहर नहीं आया, लगातार अंदर जाँच चल रही है। इसका मतलब कि अभी भी यहाँ, चूंकि पहले ही जो सूचना मिली थी वो इसी स्कूल से मिली थी, इस वजह से यहाँ पर ज्यादा तलाशी चल रही है अंदर। लगातार 8 बजे से यहाँ पर टीम जो है पहुंची हुई है, वो लगातार तलाशी कर रही है। तो ये देखना है कि जांच में क्या निकलता है, कुछ देर बाद जांच में क्या निकलता है, इस पर नजर बनी हुई है। लेकिन यही बात पेरेंट्स भी इस वक्त जानना चाहते हैं। जीत का मैं एक बार फिर से रुख करती हूँ। जीत, कुछ पेरेंट्स भी इस वक्त आपके साथ? बिल्कुल, देखिए यहाँ पेरेंट्स आए हुए हैं, लेकिन डर वही है। बात करने की कोशिश करता हूँ, एक यहाँ पर जो है अभिभावक आए हुए हैं, ये बताइए कि कितना डर लगता है उस तरह की कॉल्स आती हैं। सर मतलब हमारे बच्चे इसमें पढ़ते हैं, ये तो भगवान का शुक्र है कि बच्चे बाहर थे, अगर बच्चे अंदर होते तो अब तक यहाँ पे सारे माँ बापों में रोराट मची होती कि मतलब दिल दहल जाता है ऐसी खबर सुन के कि इस तरीके का वाक्य स्कूल में जो 7:30 तक छोटे छोटे बच्चे स्कूल के अंदर आ चुके होते हैं, इस तरीके की कॉल को सुनते ही मतलब एक हमें ऐसा दर्द महसूस हो जाता है कि हम तब से जा नहीं पा रहे हैं कि भाई कोई बच्चा अंदर नहीं हो, पर पता चला कि कोई है नहीं। घर पहुंच गया? हाँ, मेरा बच्चा आया था तो उस टाइम तक मतलब गेट को बंद कर दिया गया था, सभी बच्चों को बाहर निकाल दिया गया था। जब मैं अपनी बेटी को, क्या बताया गया कि आकस्मिक जो चीज़ें बनी है इसके पीछे कारण क्या? उस टाइम तो उन्होंने कुछ नहीं बताया था, मगर अब एक मैसेज उन्होंने डाल दिया छुट्टी के लिए ना, वो मैसेज है जो हमारे पास। दूसरे बताइए कि सिर्फ ये स्कूल नहीं बता रहे कि आधा दर्जन ऐसे स्कूल है दिल्ली NCR के जिनमें इस तरह के मेल्स आए हैं। अच्छा, इसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं है, मतलब क्या है बताइए इसमें तो ये मतलब छुट्टी के लिए कि एक फ्रॉड बम की मतलब मैसेज है ये बता दिया गया। हाँ जी जी, देखिए ये आपको दिखाएं कि ये मैं जो है, अगर मनीष आप दिखा पाएं तो इस तरीके से ये मैसेज जो है वो पेरेंट्स को स्कूल के द्वारा कहा गया है कि जो मेल है उसके ज़रिए सुबह धमकी आई थी और उसकी वजह से स्कूल को एहतियातन छात्रों के लिए बंद कर दिया गया है, और जो बस से जो बच्चे बस से आते हैं उनको बस से, और जो बच्चे खुद से आते हैं पेरेंट्स आकर उन, और सभी स्कूल्स में चेकिंग अभी जारी है। और ये जो मेल है इस पर इन्वेस्टिगेशन हमारी दिल्ली पुलिस की जितनी भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन विंग्स हैं सारी कर रही हैं, और फर्दर अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर सेम पैटर्न आया है, तो क्या लग रहा है आपको कि अभी शुरू इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की बात करें? अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है तो जिसमें यही लग रहा है कि बेसिकली एक ये मास मेल किया गया है और उस पर सोर्स पर अभी हम काम कर रहे हैं। और ये भी सर देखने में कि BCC में स्कूल का मेंशन किया, यानी कि कई जगहों पे भेजा गया एक ही साथ। हाँ, अभी जैसे जैसे स्कूल्स को अपनी मेल आईडी चेक कर रहे हैं वैसे वैसे उनको पता चल रहा है कि किस तरह की उनको मेल आई हैं, और हम सारे स्कूल्स को हम सेंसिटाइज कर रहे हैं। हम वी आर रीचिंग टू ईच एंड एवरी स्कूल फॉर द सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स। सर टेक्निकल टीम्स भी लगी हुई है इसमें, क्योंकि मेल है तो क्या लग रहा है आपको? हाँ, अभी जैसे हमने इंफॉर्मेशन सीख की है, हमारे जो बेसिकली हमारी टेक्निकल जो डेटा बेस्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने सर्वर से इंफॉर्मेशन सीख करी है, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो मेल में मेंशन क्या किया गया है कि अगर एक प्रॉब्लम है? वो अभी मैटर सेंसिटिव मैटर है, उसके मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। स्कूल बच्चों पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे बच्चों के, क्योंकि काफ़ी पैनिक दिल्ली में रह के एक के बाद एक लगातार स्कूलों में इन्फॉर्मेशन आ रही है, पैनिक का माहौल है। मैं यही कहूँगा कि जैसे सभी काम रहें, दिल्ली पुलिस सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखते हुए सारे मेजर्स ले रही है,
हम वी आर गेटिंग ईच एंड एवरी स्कूल चेक्ड एंड वी आर इन कॉन्स्टेंट टच विद स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कि कोई भी पैनिक नहीं हो किसी भी बच्चे को या किसी भी तरह के पेरेंट्स को कोई इनकन्वीनियंस ना हो एंड टीम्स आर वर्किंग ऑन द टेक्निकल आस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड दिल्ली पुलिस इज कमिटेड टू द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन। तो डीसीपी साउथ वेस्ट दिल्ली के रोहित मीणा को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से बताया गया है कि ईमेल की टेक्निकल टीम की ओर से जांच की जा रही है कि ईमेल किसने भेजी, क्यों भेजी। इसके अलावा जो तमाम स्कूलों में बॉम्ब थ्रेट मिला है वहां पर अभी भी सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, यानी सर्च ऑपरेशन को खत्म नहीं किया गया है। अभी भी इस बात को की पुष्टि की जा रही है कि ये कोई होक्स कॉल थी या वाकई इस जो धमकी भरे ईमेल है उसमें कोई भी सच्चाई है। ऐसे में सभी स्कूलों की जांच फिलहाल जारी है। और इंपॉर्टेंट बात यह कि पुलिस ने भी यह बताया, डीसीपी साउथ का यह बयान सामने आया ये बताते हुए कि एक साथ कई स्कूलों को ईमेल किया गया है और बम की धमकी पर दिल्ली पुलिस का यह बयान इस वक्त जिस तरीके से पूरे मामले की जांच चल रही है उसी के तहत इंपॉर्टेंट है कि धमकी वाले मेल की जांच की जा रही है। डीसीपी द्वारका अंकित सिंह फिलहाल इस वक्त क्या बता रहे हैं सुनिए। क्या अभी आप अंदर गए, अंदर गए तो आप तलाशी ली तो क्या मिला? अभी टीम सर्च कर रही है, ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं मिला है सस्पिशियस। और बाकी वेरीफाई कर रहे हैं जिस ईमेल से ये मेल आया है और इन सारी चीजों पे काम कर रहे हैं अभी सारा हमारा साइबर का स्टाफ और जो भी एक्सपर्ट है साइबर पे वो सारा उस पे काम कर रहा है। सर कितने बजे कॉल आई थी? सर कॉल नहीं आई है, कॉल नहीं आई है, मेल आया, मेल आया, मेल आया, मेल ये रात के टाइम आया, अर्ली मॉर्निंग आया। ओके, तो सुबह सुबह आए मेल के आधार पर जिस तरीके से अलग अलग स्कूल्स में इस वक्त सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, बड़े अपडेट आपको टीवी 9 भारतवर्ष दे रहा है जहां देखिए किस तरीके से बच्चों के माता पिता परेशान ना हो उसी के तहत दिल्ली पुलिस ये बता रही है कि बम की धमकी भरे ईमेल आने के बाद पूरे मामले की जांच की जा रही है क्योंकि एक ही पैटर्न के ये ईमेल जिस तरीके से सभी स्कूलों को मिले हैं उसी आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है। प्रतिमा, तो आपको हमने डीसीपी का बयान भी सुनवाया है किस तरीके से उनकी तरफ से साफ किया जा रहा है कि सुरक्षा जांच अब भी जारी है। यहाँ पर आपको बता दें कि कुल मिलाकर जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र, यहाँ पर दिल्ली पुलिस के दो बड़े अधिकारियों का बयान हमने सुनाया जिनकी तरफ से अभी ये साफ नहीं किया गया है कि इसमें सच्चाई है या नहीं क्योंकि अभी भी सुरक्षा जांच की जा रही है, और क्या अपडेट अब तक मिल पाया? जी बिल्कुल, देखिए जिन 5 स्कूलों में ये थ्रेट आया है जहां पर ईमेल के जरिए धमकी दी गई है उन तमाम स्कूलों के अंदर अभी भी बम निरोधक दस्ता, इसके अलावा फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी हैं, जो कर्मी हैं, वो लगातार तमाम जवान इस वक्त चप्पे चप्पे को खंगाल रहे हैं लेकिन अभी तक किसी भी स्कूल से कोई भी संदिग्ध वस्तु की बरामदगी नहीं हुई है, पहली बात। दूसरा, दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि जो आईपी एड्रेस है, यानी कि जो ईमेल के आईपी एड्रेस है, उनको ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है लेकिन पहला एसओपी ये होता है तफ्तीश का या फिर जांच का कि सारा क्लियर हो जाए, यानी कि साफ हो जाए कि किसी भी स्कूल में कोई बॉम्ब या कोई संदिग्ध वस्तु नहीं है और उसके बाद तफ्तीश शुरू की जाएगी जिसमें साइबर सेल की एक अहम भूमिका होगी जो पता लगाने की कोशिश करेगी कि क्या वाकई एक ही आईपी एड्रेस से या फिर कहें एक ही जगह से इन तमाम स्कूलों को ईमेल्स भेजे गए, क्या भेजने वाला एक ही शख्स है या फिर ये अलग अलग है। तो ये तो वो तमाम चीजें हैं जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा लेकिन सबसे पहली कोशिश दिल्ली पुलिस की है कि सभी स्कूलों में सघन जांच की जाए, सभी स्कूलों में जब ये क्लीन चिट मिल जाएगी कि कहीं कोई संदिग्ध वस्तु नहीं है उसके बाद फिर आगे की तफ्तीश शुरू की जाएगी। जी चलिए, तो जितेंद्र हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और एक ही पैटर्न पर भेजे गए ईमेल्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है जितेंद्र, जिस आधार पर फिलहाल इस वक्त इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल दिल्ली पुलिस का कहना है कि एक साथ ये तमाम 5 स्कूलों में ईमेल्स आए तो कहीं ना कहीं इस बात का संदेह है कि हो सकता है कि जिसने भी ये ईमेल भेजा हो या तो उसका मकसद पैनिक फैलाना हो, शरारत करना हो, क्योंकि बरामदगी कोई नहीं हुई है। तो ऐसे में पुलिस को ऐसा शक है, ऐसी उम्मीद है कि हो सकता है कि एक ही शख्स हो इन तमाम स्कूलों को मेल भेजने वाला लेकिन इसके पीछे उसका मकसद क्या था, क्या पैनिक फैलाना था या कोई शरारत था, तो ये फिलहाल उसकी गिरफ्तारी या उसके पकड़े जाने के बाद होगा। लेकिन फिलहाल जो शक है वो ये है कि एक आईपी एड्रेस से हो सकता है इन तमाम स्कूलों को ईमेल्स भेजे गए हो, तो लिहाजा उस तफ्तीश को आगे बढ़ाने की कोशिश साइबर सेल के साथ की जा रही है। आईपी एड्रेस को लोकेट करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।